मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुबह के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 15वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ें। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को ये खूबी दे रखी है कि हम अपनी बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने हृदय के अंदर के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और जो बातें हम कहते हैं इनमें वो शक्ति या सामर्थ है जिसके द्वारा सुनने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित हो सकता है, उसके जख्म ठीक हो सकते हैं, उत्साहित हो सकता है। उसी समय सुनने वाले को हम निराशा के कुंड में भी डाल सकते हैं। जो बातें हम कहते हैं अगर वो सही समय पर कहा गया हो वो बहुत धन से भी कीमती है और सुनने वालों को आनंदित करता है। उतना सिर्फ नहीं, बोलने वाला भी प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। लेकिन यह सब निर्भर करेगा बोलने वाले व्यक्ति के उस सिद्धता पर, उस समझदारी पर जो उसने परमेश्वर के साथ के संबंध में, जो सियानापन या समझदारी को पाया है। एक समझदार व्यक्ति संसार के ज्ञान के अनुसार सही शब्दों में, सही अवसरों पर सही बातें बोले तो, लेकिन उसकी बातें थोड़ी देर के लिए ही हौसला देती हैं। लेकिन उसी समय परमेश्वर का भय रखने वाला एक व्यक्ति अगर वो सही समय पर बात करे, सही बातें बोले तो उसकी बातें आने वाली पीढ़ियों तक के लिए भी प्रोत्साहन का कारण होती हैं। हम परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान देते हैं हमें कई उदाहरण प्रभु का आत्मा हमें दिखाता। हम सब उस घटना को जानते हैं जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक, जिसे वो प्यार करता था, उसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलि करने के लिए मोरिया पहाड़ की ओर जा रहा। अब्राहम इसहाक को बहुत प्यार करता था। परमेश्वर के वायदे के फलस्वरूप उसे ये बेटा बुढ़ापे में उसे और सारा को मिला था। लेकिन अब्राहम परमेश्वर को ज्यादा प्यार करता था, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था। यहां तक कि ये आज्ञा जब मिला अपने बेटे को बलि करने के लिए, लकड़ी भी अब्राहम ने खुद फाड़ी है। और उस 3 दिन के लंबे सफर में अब्राहम शायद खामोश भी रहा होगा, क्योंकि किसी को उसने बताया तक नहीं जो आज्ञा उसने पाई है। उसे मालूम है अगर ये बात अपने दासों को बताए तो उसके दास इसमें रुकावट बनेंगे, क्योंकि वो भी इसहाक को प्यार करते थे, क्योंकि वो अब्राहम का वारिस है। और जब मोरिया पहाड़ पर चढ़ रहे थे इसहाक बाप से पूछता है, हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन बलि के लिए जानवर कहां है। उस समय अब्राहम का जवाब हम देखते हैं, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। ये बातें अब्राहम के विश्वास की झलक है। अब्राहम को विश्वास है अगर प्रभु अभी तक लाया तो आगे भी चलाएगा। और ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य जाति के लिए आशा का किरण है। जब आज भी एक पापी उस क्रूस को देखता है जहां पर परमेश्वर ने अपने मेमने का उपाय किया है, हमें याद रखना है अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो एक समय डर के मारे फरो के सामने अपनी जान बचाने के लिए झूठ भी बोला था सारा के विषय में।
और उसका झूठ बाद में सबको मालूम चल गया, यहां तक फरो ने उसे ताड़ना दी। लेकिन अब उसी व्यक्ति अब्राहम को जरा देखे जिसने परमेश्वर के साथ की अपनी जीवन यात्रा में कितनी बातें सीख ली। अगर हम अब्राहम के स्थान में होते तो हमें जब इसहाक सवाल पूछता तो हमारे पास शब्द ना होते, और इसहाक को भी दुख लगता कि उसने हमें ऐसे सवाल क्यों पूछा। लेकिन अब्राहम की बातों ने बेटे इसहाक का भी विश्वास यहां तक बढ़ा दिया कि वो बाप की आज्ञा का पालन किया, बलवा नहीं किया और अपने आप को सौंप भी दिया ताकि बलि हो जाए। मेरा विश्वास है बाद में अब्राहम मुड़कर जब इस घटना को देखता होगा तो खुद भी संतुष्ट होगा। अब्राहम को किसी ने यह जवाब देने को सिखाया नहीं, ना ही अब्राहम को उस समय प्रार्थना करने का मौका मिला ताकि वो सही जवाब दे सके। लेकिन अब्राहम का हृदय उस प्रेम से भरा था और स्वर्गीय पिता पर उसका उतना विश्वास था, और उसकी बातों ने उसके हृदय के उस स्थिति का झलक हमें दिखाया। और यह हमें याद दिलाता है कि कई बार हमें भी प्रार्थना करने को मौका तक नहीं मिलेगा ताकि हम सही जवाब दे सकें। लेकिन अगर आपका यहोवा परमेश्वर के साथ सही संबंध है, आपकी बातें उस बात की झलक दिखाएंगी। सही समय पर कही गई बातें सुनने वालों के लिए प्रोत्साहन का कारण होता है। बहुत से लोगों को यह वचन मालूम है, तुम अपना मुंह खोलो और प्रभु उसे भरेगा, इसलिए वो परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को इतना महत्व नहीं देते हैं। ध्यान रखें, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आपको वचन तभी याद दिलाएगा अगर आपने समय लेकर वचन को मनन किया है। नहीं तो हम अपने ज्ञान के द्वारा कई बातें बोलेंगे और वो लोगों सुनने वालों के लिए ठोकर का कारण बनेगा, और हमारी बातें हमारी आत्मिक उन्नति को दिखाती है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, आइए हमारी बातों से लोग तसल्ली पाकर प्रोत्साहित होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाएं। हमारी बातों से दूसरों का विश्वास बढ़ने पाए और उनका अनंत काल के प्रति आशा भी बढ़ने पाए। आइए हम प्रभु से ज्ञान मांगे ताकि प्रभु हमें सही समय पर सही व्यक्ति से सही शब्द भी दे, बात करने के लिए सही शब्द भी दें। कई लोग अपने विश्वास को अपनी बातों के द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं, लोग उनसे नफरत भी करते हैं। ध्यान रखें, हमारे शब्द बेशक थोड़े हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हो। चाहे वो सलाह हो, चाहे वो ताड़ना हो, ये बातें थके हुए मुसाफिर के लिए तसल्ली का कारण बनने पाए। हमारी बातें सही अवसर पर लोगों को आशीष देने पाए। प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे ताकि हम अवसर को समझने पाए। बातों की बहुतायत से, गलत अवसर पर बोली गई बातों से हम दूसरों के सामने कहीं मूर्ख ना गिने जाएं। हमारी बातों के द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु प्रभु आपके साथ के संबंध को गंभीरता से लेने के लिए आप हमें सहायता कर। आप बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु हम जो बातें कहें उसके सुनने, उन बातों को सुनने वाले प्रोत्साहित हो सके, तसल्ली पाए, जख्मी हृदय तंदुरुस्ती को अनुभव कर सके। सही समय पर प्रभु ज्यादा बातें ना करें तो भी प्रभु कुछ ही बात अगर हम करें सुनने वालों के विश्वास को जगाने पाए, उनकी आशा को जगाने पाए। हमारी बातें किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमारी बातों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, उसके लिए हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।